मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय के कैंप मोहल्ला निवासी चाट का ठेला लगाने वाले सुनील सोंधिया वर्षों से झोपड़ी में रहने के बाद आज प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पक्के मकान में रहने का उनका सपना साकार हुआ है। वहीं सुनील सोंधिया ने कहा कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी पक्के मकान में रहेंगे, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर हम जैसे देश के तमाम गरीबों को पक्का मकान देकर उनका सपना साकार किया है। आज गृह प्रवेश से मुझे और मेरे परिवार को बहुत बड़ी खुशी मिली है। वही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही को पक्के मकान में गृह प्रवेश के अवसर पर विधायक शिव नारायण सिंह, कलेक्टर माल सिंह एवं धनुषधारी सिंह ने माला पहनाकर स्वागत करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की एवं बधाई देते हुए कहा कि आने वाला कल और भी बेहतर हो। वही स्थानीय मंगल भवन के पास LED के माध्यम से इंदौर में चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम सीधा प्रसारण देखा जा रहा था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेकों योजनाओं का शुभारंभ करते हुए पूरे देशवासियों एवं मध्य प्रदेश के लोगों को डबल बधाई दी है। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। देशवासियों के लिए, उन गरीब परिवारों के लिए जिनके घरों में छत नहीं था, ऐसे परिवारों को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास देकर एक उस परिवार के ऊपर एक पक्का छत, पक्का घर देकर उनके परिवार में खुशहाल करने का एक ये सुनहरा शुभ अवसर आज हमारे मध्य प्रदेश के इस भूधरा पर इंदौर जिले से शुभारंभ किए हैं। यह कार्यक्रम वास्तव में एक अद्भुत उन परिवारों के बीच जाइए तो उनको वास्तव में अजीब सी खुशी उनकी आंखों में झलकती है। और आज हमने भी एक वार्ड में जाकर, एक हितग्राही के घर पे जाकर आदरणीय कलेक्टर के साथ, कलेक्टर महोदय के साथ और हमारे मंडल अध्यक्ष जी गृह प्रवेश कराएं। उसकी आंखों में काफ़ी चमक थी, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि ये आवास जब को मिला हमको बहुत ही खुशी हुई और हमारे जो मकान चू रहा था वो उससे बचत हुई। हमारे शिवराज सिंह और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही आभार प्रकट करते हुए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं।